देश प्रेम का जज्बा, साहस सफलता से बढ़कर जिनमें है राष्ट्र की सेवा का संकल्प, उन्हें फौजी बनाएंगे हम। हम हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, इंडियाज बिगेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अग्निपथ स्कीम, योर चांस टू वेयर मिलिट्री यूनिफॉर्म। एडमिशंस ओपन फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, अग्निवीर, एसएसबी इंटरव्यू, फिजिकल ट्रेनिंग। विजिट कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, टैगोर टाउन, प्रयागराज, और कॉल 9415402422। समझ रहे हैं? तो आप ही समझिए कि पूरा फील वही आने वाला है ना, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए बैठिए, आप अपने बारे में बताएं सर। तो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपके बल्ले का वेट कितना होना चाहिए? सन 1992 में वर्ल्ड कप कौन जीता था सर? हमारी कमियां समझ रहे हैं? कमियां समझ रहे हैं ना अपनी अपनी सब लोग? इसी को खत्म करना है। एक महीने का समय है, एक महीना तो घूमना ही नहीं है। मनीष खड़े हुई, स्टैंड अप। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेट भाई, कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, है ना, कि आप लोग फेज टू के लिए फाइनली, आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा अपने आप का। रिजल्ट देखा? अभी नहीं आया रिजल्ट चुमारो। अच्छा, तो रिजल्ट नहीं आया तो कैसे फिर फेज टू के लिए आ गए? कॉन्फिडेंस है? है, गुड। तो कितना आ जाएगा मनीष आपका? सर आ जाएगा सर, करके आए 47 क्वेश्चन करके आए, 47 करके आए। तो 47 जब आप करके आए, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि 47 में कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे? सर मेरा सर इंग्लिश का एक रॉन्ग हुआ था सर, और इसमें सारे कर लिए थे, केवल नॉन वर्बल के दो क्वेश्चन छूट गए थे इधर। वेरी गुड, आपने मिलाए थे क्वेश्चन को? यस सर, मिलाया, जो मतलब सारे तो नहीं आते, लेकिन जितने मतलब करके आए थे, जो जो हार्ड थे वो थे दिमाग में, तो उनको एक बार क्रॉस चेक। अच्छा, बाकी जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उनका क्या किया आपने? उसको उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया आपने? सर जैसा यहाँ पे बताया गया था, जितने क्वेश्चन बताए गए थे उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन थे, बस नॉन वर्बल की भी उसी हिसाब से प्रैक्टिस करवाई गई थी, जितना हार्ड सोच के गया था कि लोग कह रहे थे इतना हार्ड आएगा, लेकिन उतना हार्ड नहीं था। नॉन वर्बल में था, हार्ड था, लेकिन करने लायक था, ये नहीं था कि देखा ही नहीं ऐसे। अच्छा, हार्ड और सॉफ्ट का कुछ मतलब समझाएंगे आप मुझे कि हार्ड क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है? हार्ड इस तरह का था, उसमें एक तो छोटा सा स्क्रीन में आता था, और उसमें बहुत सारे एक स्क्रीन में, एक मतलब क्यूब में बहुत सारे आ जाते थे, एकदम छोटा छोटा, तो उसको क्लियर से देख पाना मुश्किल था। हाँ, अच्छा, मुझे तो ये लगता है कि हार्ड क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन में फर्क ये होता है कि जो प्रश्न हमको अच्छे से आ रहे हैं उसका हम साधारणतया जवाब दे दें, वो नॉर्मल हो गया, और जिस प्रश्न का जवाब हम ना दे पाए वो क्या हो गया? हार्ड हो गया। यही होता है ना मनीष? यही होता है। तो बैठ जाइए। तो होता क्या है कि नहीं, खड़े रहिए, प्रश्न आपसे रहेगा। तो होता क्या है कि हम लोग कितनी मेहनत करके जाते हैं और किस टॉपिक पे कितना हमने काम किया है, ये मैटर रखता है ना। तो अब आपका स्टार्ट होता है फेज टू, तो आपको एक पेज दिया गया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पेज में फेज टू लिखा हुआ है, और पैरा नंबर 21 है, आप उसको एक बार पढ़िए। यस सर, 21 नंबर, सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फेज वन ऑनलाइन टेस्ट, अ कट ऑफ विल बी अप्लाइड बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द फेज वन टेस्ट एंड स्कोर लिस्टेड कैंडिडेट्स विल। फिर से रिपीट। ओके सर, सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ, आप सब सुनिएगा, फेज वन ऑनलाइन टेस्ट, a cutoff will be applied based on the marks scored by the candidates in the phase 1 test and shortlisted candidate will be sent a new admit card on their registered email ID for phase 2. Excuse me, ab aap is cheez ko samajh rahe honge na ki aapka jo phase 1 aap jo clear karenge to uske baad phase 2 ke liye aapka kya aayega, admit card nahi aayega, yahi kehna cha raha hai ye। To jab dusra admit card aayega to admit card aapko milega kaise? आपके ईमेल आईडी से मिलेगा। चलिए प्लीज कंटिन्यू करिए। यस सर, फेज टू टेस्ट एट द डिजाइनेट
designated ASC. This admit card of phase 2 exam can be also downloaded online under candidates login on CASB web portal https://agnivirpathvayucdac.in. बिल्कुल, अब मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि CSB का जो आपका जिन बच्चों का डाउनलोड हो गया, एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा फेज टू के लिए, वो इस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं CSB के पोर्टल पे। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा, CSB का फुल फॉर्म आप लोग पता है ना क्या है? सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड। गुड। हाँ, आगे। कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट ऑन द सेटिपुलेटेड डेट ऑन डेट एंड टाइम फॉर फेज टू एट द डिजाइनेटेड ASC अलोंग विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। हाँ, अब हम करते क्या है, बैठ जाइए। अब हम करते क्या है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम लोग एक आदत अपनी छोड़ चुके हैं इंग्लिश पढ़ने की। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि मान लीजिए आपका रिटर्न क्वालिफाई है, आपने मान लिया तभी आप यहाँ पे हैं, और रिटर्न क्वालिफाई आपका नंबर अच्छा आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? ये रीडिंग में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब हम लोगों ने क्या किया, छोड़ दिया पढ़ना। पहले क्या होता था, कंटेंट पापा लोग चाचा लोग को देखते थे कि कितना बढ़िया बोलते थे। कारण क्या है, उनको हर एक चीज़ इसलिए पता होती थी क्योंकि वो सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और हमने वो आदत छोड़ के अब मोबाइल पे अपना टाइम व्यतीत करना शुरू कर दिया है, राइट? तो प्रॉब्लम ये आ रही है। अब इसको बेहतर करने के लिए हमें जरूरी है कि जब तक हमारा फेज टू लगेगा तब तक हमको कुछ इंग्लिश के पेपर्स, न्यूज़पेपर्स की मदद लेनी पड़ेगी। इंग्लिश के न्यूज़पेपर की मदद होगी, कक्षा क्लास है तो क्लास 6th हो गया, 7th हो गया, 8th की NCERT की बुक इंग्लिश की उठाया जा सकता है, जिस स्टोरी को हम आसानी से समझ सकते हैं, उनकी इंग्लिश की बुक्स को हम अच्छे से रीड करेंगे, उनकी हमें स्टोरी भी समझ में आती है, जैसे जस्ट लाइक अ कछुआ एंड खरगोश की कहानी है ना। तो इस तरह का क्या होता था कि हम कुछ भी पढ़ते थे तो हमको समझ में आता था, तो अब जब उसको उठाएंगे अब कंटिन्यूस पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको स्टोरी भी समझ में आएगी और हमको इंग्लिश में जो प्रॉब्लम्स आ रही वो भी आसानी से हम लोग टैकल कर पाएंगे और एक फ्लुएंट हो जाएंगे चीज़ों को लेके। मतलब अभी क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग कई जगह रुक रहे हैं, CASB पोर्टल ठीक फंस जा रहे हैं, ठीक स्टिपुलेटेड में फंस जा रहे हैं, ठीक डेजिग्नेटेड में फंस जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वर्ड जब थोड़ा सा बड़ा होता है या लेंदी होता है तो हम उसको गांव की भाषा में कहें उसको उच्चारण ढूंढने लगते हैं। जैसे पहले ABCD बच्चों को पढ़ाते थे, STI तो बोलते STI, PUT वैसे होता था ना, तो हम लोग एक एक शब्द को पढ़ाते थे और बच्चे को बोलते अब एक साथ बोलो, ठीक, तो कोशिश करता था वो बोलने का, ठीक, बोलते थे बतासा तो बोलता था बटाटा, बताता, बतासा, है ना, तो कई तरीके से बच्चा बोलता था, तो उसको एक एक वर्ड सिखाते थे। अभी अब क्या है, अब यहाँ पर सीखने का समय आ गया है। चलिए आगे, आप खड़े होइए, आप अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार शर्मा। आदित्य जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? प्रयागराज के। कितने नंबर आ जाएंगे आपके, कितने मार्क्स? सर 42 से 44। 42 से 44। एक्स ग्रुप है कि वाई ग्रुप है आपका? एक्स ग्रुप। बहुत तो नहीं है? नो सर। गुड। तो अब आप हमको ये बताइए कि फेज टू के लिए आपने कुछ तैयारियां तो की नहीं थी, फेज वन आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा और उसके बाद आप फेज टू में आएंगे, तो आप देख रहे हैं कि पैरा नंबर 2 में 21 में जो फेज टू है उसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD करके, तो कृपया उसको आप रीड करिए। सर ए में दिया है कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फॉर फेज टू, तो बी है कलर प्रिंट आउट ऑफ डिलीट फील्ड एप्लीकेशन फ्रॉम डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सी है HB पेंसिल। HB पेंसिल का मतलब आप जानते हैं? HB पेंसिल HB पेंसिल, अरे नटराज वाली पेंसिल देखा है? हाँ, तो वाली पेंसिल आपको चाहिए होगी, ठीक है, हाई बोल्ड वाली है ना। इरेजर, फिर आगे पढ़िए। HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लैक स्टिक। अच्छा, इरेजर जानते हैं आप लोग क्या होता है? और शार्पनर? गुड, आगे। एंड ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन फॉर राइटिंग, डी। पेन फॉर राइटिंग ना, तो मतलब HB पेंसिल चाहिए आपको, इरेजर चाहिए, शार्पनर चाहिए और ग्लू स्टिक चाहिए, स्टेपलर चाहिए एंड ब्लू एंड क्या लिखा है, ब्लैक एंड ब्लू ना, तो ये पेन आपको क्या चाहिए, वहाँ पे इतनी सारी चीजें आपको चाहिए।
आगे पढ़िए डी ऑप्शन क्या है, कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ व्हिच वाज यूज्ड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे एंड फोर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स नेम फादर्स नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। क्लियर हो रहा है ना क्या कहना चाह रहे हो? नेक्स्ट, ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट ओनली अप्लीकेबल फॉर 3 years डिप्लोमा कोर्सेज होल्डर्स व्हेन इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स। ओके, आगे नेक्स्ट, ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ इंटरमीडिएट और 10+2 आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। गुड, नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया अथवा में? और भी दिया है, ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ 3 years डिप्लोमा कोर्स पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ सेमेस्टर्स। और में दिया है, ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ 2 years वोकेशनल कोर्स पासिंग सर्टिफिकेट एंड ऑल मार्कशीट इंक्लूडिंग नॉन वोकेशनल कोर्स विद सब्जेक्ट इंग्लिश फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एच में दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ CSOAFP सन ऑफ एयर फोर्स पर्सनल इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट फॉर सन्स ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड और डिसीज्ड एयरफोर्स सिविलियन एम्प्लॉयज पेड आउट ऑफ डिफेंस एस्टिमेट्स इज टू बी डाउनलोडेड एज द केस में बी फ्रॉम द डाउनलोड सेक्शन ऑफ CASB वेब पोर्टल एंड ब्रॉट अलोंग वाइल रिपोर्टिंग फॉर फेज टू ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि आपका डर अपने आपके अंदर से निकालने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, और आप ये कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी का रिकॉर्ड है कि हमारे यहाँ से फेज टू में केवल एक लड़का आज तक बाहर हुआ है, केवल एक सिंगल लड़का। आज 3 साल पूरे होने वाले, 10 दिन बाद इस अकेडमी को 100% रिजल्ट रहा है, और वो एक जो लड़का बाहर हुआ है वो एक दिन आता था, अगले दिन नहीं आता था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उसके साथ रहती थी, मतलब नॉन सिंसियर कैडेट्स था, और उसके बाद उसको लगा अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, मेरा मेहनत कर लूँगा अगले अटेम्प्ट से। हुआ क्या, 2019 का क्लियर नहीं हुआ, 2020 का क्लियर नहीं हुआ, 21-22 हवा में निकल गया, 21-22 है कोरोना ने खा गया, एज ओवर एज हो गई, अब तो फॉर्म भी नहीं भर सकता था। समझ रहे हैं? तो ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं रहना है। बाकी सब बच्चे रिकमेंड हो गए, सब वर्दी पहन के घूम रहे हैं, है ना? तो हमको मेहनत करना है, पढ़ना है और कराना हमारा काम। अभी मैडम ले रहे हैं क्लासेस, 2 दिन बाद 14th कहा जाता है, 14th को अपना प्रोग्राम है, 14th के प्रोग्राम के बाद फिर आपका बोलेंगे, आपका वासुदेव सर लेंगे, विंग कमांडर वासुदेव सर, है ना, वो भी क्लासेस लेंगे और मैम भी लेंगे, दोनों लोग क्लासेस लेंगे, ठीक है। वो GD भी कराएंगे, कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है, क्योंकि आपके सामने इंडियन एयरफोर्स में जब आपका इंटरव्यू होगा नॉर्मल, और आपका जो GD और SRT होगा, तो आपसे पूछा जाएगा ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपका पहला इंटरव्यू कैसे आपको उसको अट्रैक्ट करना है, वही आपका डिसाइड करेगा कि आपको सेलेक्ट होना है या नहीं होना है। तो वो आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपके सामने विंग कमांडर ही बेटर रहेगा, समझ रहे हैं? तो आप ही समझिए कि पूरा फील वही आने वाला है ना, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए बैठिए, आप अपने बारे में बताएं सर। हाँ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सर आपने सर आई लिव एट रायबरेली UP। बस इतना? सर माय फादर सर मिस्टर सुरान साहू इज अ फार्मर एंड माय मदर। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं, स्लो। माय नेम इज जितेंद्र कुमार शर्मा। माय फादर मिस्टर सुरान साहू इज अ फार्मर एंड माय मदर मिस शांति देवी इज अ हाउसवाइफ। Now I have completed my 10+2 with 85% mark and 10th with 80% mark. Now I'm pursuing my BA. What's your hobby? My hobbies are playing cricket and dancing. Playing cricket and dancing. Dance में कौन सा dance करते हैं आप? Sir freestyle. I like freestyle. और cricket में कितना समय हो गया आपको खेलते हुए लगभग? Actually sir I didn't have time to play cricket, but earlier I was playing. तो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपके बल्ले का वेट कितना होना चाहिए? सॉरी सर, आई डोंट हैव आईडिया। सर 1992 में वर्ल्ड कप कौन जीता था? सर क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? सर 11। यस सर। बाकी मान लीजिए अगर कोई चोटिल हो गया था तो 10 बचेंगे? यस सर। हां ए सी सर ए साइड। अच्छा,
कितने कहा जाए तो कीपर कितने होते हैं? वन। और कैप्टन? सर वन। बहुत फंसाएगा, मेरे से पूछा गया था कि मैंने बताया था SSB, मेरे से पूछा गया था। I didn't play cricket, but हॉबी वही बताना है जिसके बारे में हमको पूरी तरह से। Sir, since childhood I was playing, but it has been 10 years. मेरे से पूछा गया था SSB में, what's your hobby Mr. Sharma? मैंने बताया तो नहीं था अपने इंट्रोडक्शन में कि मेरी हॉबी क्या है। मैंने फिर बताया मुझे दाल पकाना अच्छा लगता है। मैंने बताया था इसके बारे में, मुझे दाल पकाना अच्छा लगता है, तो मुझे पता था उसे पूछेगा क्या। अच्छा, दाल में नमक ज्यादा हो जाएगा तो क्या करोगे? फंस गए, देखो नींबू डालेगा। ये आटे की गोली बनाना है छोटा सा और उसमें डाल देना है। घी से नहीं खींचेगा उतना, समझ रहे हैं? और इसके अलावा कोई क्वेश्चन और उससे बनेगा नहीं। और डांसिंग में आपसे डांस भी करा सकता है? चलिए। कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके? सर 42 इन माय ग्रुप। वाई ग्रुप, गुड। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? 45 अटेम्प्ट किए थे। दो तीन क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि गलत हो सकता है? यस सर। नेगेटिव मार्किंग थी? यस सर। कितनी थी? 0.25 था ना, गुड। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप ऐसा ही जेब वाला पॉकेट पहन मतलब जेब वाला शर्ट पहन के गए थे एग्जाम सेंटर्स में, या फिर टी शर्ट पहन रखा था आपने? हाफ टी शर्ट। हाफ टी शर्ट पहन, अच्छा लोअर पहन रखा। तो क्या उसमें जेब था टी शर्ट में? तो आपको रोका नहीं उन्होंने कि आप सब उतार दीजिए उसके बाद जाइए? तो नेक्स्ट है 22, पैरा नंबर 22। हाँ, शुरू करिए स्कोर रीड। एडिशनल स्किल्स एंड और क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट्स। आराम से। हाँ, कैंडिडेट्स विथ एनी एडिशनल स्किल्स। फिर से बोलिए कैंडिडेट्स को आप। कैंडिडेट्स विथ एनी एडिशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट्स इन फील्ड्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोटर व्हीकल ड्राइविंग, व्हीकल व्हीकल ड्राइविंग और मेंटेनेंस, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, अकाउंटिंग एंड स्पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू इंटीमेट द सेम टू रिक्रूटिंग ऑफिसर एंड फर्निश सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ द सेम। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट्स शुड बी इन पोसेशन ऑफ द इन पोसेशन का लिखा है कैंडिडेट शुड बी इन पोजीशन सेंड एट पैरा 21 अबव व्हेन अपीयरिंग फॉर द सिलेक्शन टेस्ट व्हिच वुड बी स्क्रूटिनाइज्ड और वेरीफाइड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द फेज सेकंड टू एसर्टेन द एलिजिबिलिटी। प्राइमा फेसी डिटेल्ड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड एट पैरा 21 एंड 22 अबव शैल बी कैरिड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स who pass adaptability test first, candidates of those who don't meet the laid down educational criteria shall be cancelled during initial verification of original certificates and mark sheets and also during detailed verification at SC. क्लियर हो रहा है ना ये सारी चीजें? क्या कह रहे हैं? तो इसको आपको अपने पास रखना है और ये प्रॉपर आपको पता होना चाहिए क्या क्या इसमें कहा जा रहा है आपको। और बहुत ही आराम से समझाया गया पैरा 21 और 22 में। 23 हो गया। अच्छा, अब आप आइए नोट 1 और 2 को क्लियर करिए। 1, 2, 4, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सर, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रदुम कुमार, आई एम फ्रॉम फतेहपुर। माय फादर्स नेम इज मिस्टर ज्ञान कुमार, ही इज अ फार्मर एंड माय मदर्स नेम इज मिसेस सुमन देवी, शी इज अ होममेकर। I now I am pursuing my BSc. Apart from this, I am preparing for Air Force. I have done 10 and 10 plus 2 from Saraswati Bal Mandir Inter College. I scored 90% in high school and 83% in intermediate. And what about Indian Air Force written exam, CBT marks? Sir, in X group almost 50. Almost 50. And Y group? Y group 40. Good.
एक्स वाई बोथ के लिए आपका? गुड। तो अब हम आते हैं नोट 1, 2, 3, 4, इसको आप क्लियर करिए। नोट 1, इन द केस ऑफ SOAFP, द नेम ऑफ द कैंडिडेट, पेरेंट्स नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट। SOAFP का फुल फॉर्म बताइए, सन ऑफ एयरफोर्स पर्सोनल, ठीक है? हाँ, ध्यान से सुनना है, अगर कोई भी कुछ बोलता है तो प्रश्न किसी से भी पूछा जा सकता है। आगे, एज मेंशन्ड इन द डिस्चार्ज बुक, सर्विस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, कैजुअलिटी सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल मस्ट बी द सेम एज मेंशन्ड इन द मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट। नोट 2, अंडर नो सरकमस्टांसेस द कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अपियर इन फेज सेकेंड ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट विदाउट ओरिजिनल एजुकेशनल मार्क्स शीट्स पासिंग सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट मेंशन्ड अबव इन पैराग्राफ 21। हाउएवर, कैंडिडेट्स विद फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल मार्कशीट्स पासिंग सर्टिफिकेट मे बी परमिटेड टू अपियर इन द सिलेक्शन टेस्ट ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज, स्कूल, प्रिंसिपल सर्टिफाइंग दैट एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मार्कशीट्स आर डिपॉजिट विद कॉलेज। चलिए नोट 3 में आइए। नोट 3, द ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट्स मार्कशीट्स शैल नॉट बी रिटेन्ड बाय द सिलेक्शन सेंटर, द सेम शैल बी रिटर्न्ड टू द कैंडिडेट्स ऑन कंप्लीशन ऑफ डिटेल्ड वेरिफिकेशन। ठीक है, नोट 4 में आइए आप। प्रिंटेड कॉपी ऑफ मार्कशीट नॉट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेबल। क्लियर है ना ये? चलिए 24 में आइए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में ये क्या कह रहा है? फिजिकल फिटनेस टेस्ट, आप बैठ जाइए। आप हाँ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर, माय नेम इज रोहित कुमार मौर्य, आई बिलोंग्स टू फतेहपुर, वेयर द फेमस पोइट मिस्टर सोहनलाल द्विवेदी वॉज बॉर्न, एंड माय फादर नेम इज मिस्टर ओम प्रकाश मौर्य, इज ए शॉपकीपर, एंड माय मदर नेम इज मिसेस शांति देवी हु इज ए होम टेकर, एंड इन माय क्वालिफिकेशन आई एम परसुइंग BSc फर्स्ट ईयर विद मैथमेटिक्स, एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई 10+2 विद UP बोर्ड इन 2019 एंड 2021 विद 87% एंड 79% मार्क्स, एंड आई लाइक लिसन म्यूजिक, एंड माई ड्रीम टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज he gives us नॉट ओनली ए एडवेंचरस लाइफ बट ऑल्सो gives us a चांस टू सर्व आवर कंट्री विद ग्लोरी। तो अब आपके पास है 20 पैरा नंबर 24। यस सर। तो आप इसको क्लियर करिए कि ये कहना क्या चाहता है। यस सर। पैरा नंबर 24, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, नेम ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु क्वालिफाई द ऑनलाइन टेस्ट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द CASB वेब पोर्टल https://agnipath5.cdas.in and on a stipulated date shall be called at designed ASC for physical fitness test PFT which would consisted of 1.6 km run to be completed within 6 minutes and 30 seconds. Candidate shall also have to complete 10 push-up, 10 sit-up and 20 squats within the stipulated time to qualify in the physical fitness test. Good. Just a minute. अब आप इनके कहने का मतलब यह है कि जैसे आप ये अपना फेज टू क्लियर करेंगे तो ये आपके agnipath5.cdse.in के वेबसाइट वेब पोर्टल पर आपको ये इंडिकेट करने लगेगा और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, PFT के लिए। तो आप मुझे ये बताइए, ये कहना क्या चाहता है कि 1600 मीटर की रेस कितने समय में कम्प्लीट करनी है? आप सब बता सकते हैं। 6 मिनट 30 सेकेंड में। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, कितने पुशअप कम्प्लीट करने हैं? पुशअप क्या होता है आप बताएंगे मुझे? 2 पुशअप करने हैं आपको। हाँ जी, गुड। ये आपका पुशअप है, वेरी गुड। अच्छा, ये कह रहा है 10 सिटअप्स। सिटअप्स क्या होता है, कौन करके दिखाएगा सिटअप्स? 10 सिटअप्स, आइए आने दीजिए, बगल में खड़े होइए आप। हाँ, 10 सिटअप्स,
20 स्क्वाट्स कौन करके बताएगा? 20 स्क्वाट्स, आइए। ऐसे सही है ये? करके दिखाइए, आइए आइए। ठीक है, होल्ड करिए, बैठ जाइए। बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि 1600 मीटर रेस जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 6 मिनट 30 सेकंड में करना है बच्चों को। उसके बाद इनके कहने का मतलब ये है कि 10 पुशअप क्या होता है सर? 10 पुशअप जो चिन अप पे लेते हैं और नॉर्मल लेग कर लेते हैं। तो इनको इसमें कहा है केवल इतना साधारणतया कि कैंडिडेट सेल आल्सो हैव टू कंप्लीट 10 पुशअप्स। 10 पुशअप्स कैसे करेंगे बच्चे, करके बताएं? तीन प्रकार से होते हैं। नॉर्मल एक ना क्लियर है? गुड सर, बस जस्ट मिनट। और कोई सर कुछ? सर इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसको एल्बो चेस्ट के बगल में रखेंगे, तो इनका ट्राइसेप के साथ सर के हैंड में स्ट्रेंथ आएगी, तो इसे करने में इनको बहुत बहुत। अच्छा, मैं कुछ समय पहले जब कोरोना के टाइम पे मैंने सुना था कि जब कोरोना हुआ था और 1600 मीटर रेस नहीं कराई गई थी, तो उस दौरान बच्चों से ये भी कहा, ऐसे भी किया जा रहा था कि होता क्या है, हम लोग 10 पुशअप रेडी कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ और आपको 10 पुशअप के लिए बोला गया, तो क्या नंबर्स बोला जाता 1 2 3? आप समझ रहे हैं इसके मतलब? इसके कहने का मतलब यह है कम से कम आपके ये हाथों में ताकत होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्लियर? अगर ये नहीं, अगर 50 का अनुभव नहीं कम से कम, तो फिर प्रॉब्लम्स आएगी। वन, और बताइए घर में क्या खाना पीना आज बना था, कैसा रहा, मैडम कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं? अच्छा याद आया, 2, जब उन्होंने बोला अप फिर 2, तो पता चला बच्चा तो एकदम झूमा जा रहा है उसी में एकदम, समझ रहे हैं? तो हमको अपने हाथों की स्ट्रेंथ पे विशेष ध्यान देना है, क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सर इनका कि 10 सिटअप्स। सिटअप्स क्या होता है, क्लियर? ठीक है, ये सेटअप्स है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। राजा बाबू सर आपके अकॉर्डिंग सेटअप्स क्या है? आप होता है ए पार्ट एंड बी पार्ट, उधर के दिखाइए। नोट हो जाए, अप अप और आप किसी को करना देखिए, अच्छा 1 2 3 4। 20 स्क्वाट्स क्या होता है? स्क्वाट्स इन्होंने कर का कह रखा है, सामने होते हैं देन डाउन, टोज और हील बराबर होती है, हिप आउटसाइड बार के होते हैं, देन हाथ ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, देन डाउन। लेकिन कुछ बच्चे तो नीचे तक चले जाते हैं, दोनों में नॉर्मली ये है, फिर अप डाउन अप डाउन। जब वहां की सिचुएशन में अभी तो वहां के जो सीनियर्स होंगे जैसे बात कर रहे होंगे कि हाफ करना है या फुल करना है, फुल में डाउन करना है, पूरा टेस्ट होना चाहिए। अब ये बॉडी के पार्ट शोल्डर से बाहर नहीं आना चाहिए, वो उनके बॉडी के सामने कराएंगे तो वो आपको अंदर भी करा देंगे, ऐसे करा देंगे। ओके नेक्स्ट, ठीक सर थैंक यू। अब ये जो संडे आएगा, इस संडे को तो प्रोग्राम है, लेकिन इसके बाद जो संडे आएगा फिजिकल के लिए थोड़ा सा आप लोग टाइम निकालिए, रेगुलर सर करा रहे हैं, है ना, थोड़ा सा अब तो टाइम नहीं बचा है। आप एकदम 1600 मीटर की रेस आपकी कब सही होनी चाहिए, सेटअप्स पुशअप चिनअप्स ये सारी चीज़ें एकदम राइट टाइम होनी जानी चाहिए। अगर पता चला रिटर्न क्वालिफाई हो गया,
फेज कहा जाए तो जीडी और एसआरडी क्लियर हो गया, लेकिन अगर पीएफटी में बाहर हो गए तो अब तो बड़ा अजीब लगेगा कि यार कैसे होगा, है ना। तो नेक्स्ट आप नोट में इन्होंने कुछ कह रखा है, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। जय हिंद फ्रेंड, माय नेम इज अजित मौर, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट वस्ती इन यूपी। आई हैव क्वालिफाइड माय इंटरमीडिएट इन 2018 विद 87%। नाउ आई एम प्रोसीडिंग बीएससी। आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट इज एडवेंचरस एंड ग्लोरियस लाइफ। आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड टू टाइम्स एयरफोर्स एग्जामिनेशन बट आई रिजेक्टेड इन जीडी। तो आप मुझे ये बताइए कि कितने मार्क्स आप पा सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के इस एग्ज़ाम में? मिनिमम 55 एक्स वाई बोथ के लिए, ओनली एक्स के लिए। वाई भी आपने दिया कि नहीं दिया? उसमें कितना जा सकता है? ओनली फॉर एंजॉयमेंट। क्यों भाई? सब कुछ तो सेम ही है रागा छोड़ के। चलिए नोट पे आइए, क्या कहना चाह रहे हैं ये 24th के नोट पे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज एंड स्पोर्ट ट्रैक पैंट्स, शॉर्ट एंड स्ट्रैक पैंट्स। 25 पैरा पढ़िए। कैंडिडेट शैल साइन ए कंसेंट फ्रॉम प्रियर टू अपेयरिंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट मेडिकल टेस्ट फॉर सिलेक्शन इन आई एफ। आपने बताया कि दो बार आप डिसक्वालीफाई हुए जीडी और एसआरडी में, क्यों? सर फर्स्ट टाइम आई अनएबल टू स्पीक इन इंग्लिश, सेकंड टाइम। आपने कोचिंग तो कहीं किया होगा? इज नॉट सो गुड, आई क्वालिफाइड ओनली, मेरा मतलब सिर्फ हमारा कट ऑफ से 3 नंबर ज़्यादा था, तो लोगों ने बोला कम से कम 5 नंबर ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए मैं तैयारी नहीं किया था। फिर दोबारा हमारा कट ऑफ से 13 नंबर ज़्यादा था, मतलब कट ऑफ 43 था, हमारा 56 नंबर था। उस समय थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो वहाँ पे कोचिंग किया आपने कहीं? कहाँ किया था? पढ़ाई के लिए कहीं नहीं किया था, सेल्फ एचडी किया था, जीडीएसआरडी के लिए किया था एक एमकेसी में। अच्छा, तो आपने, आपको तो बताया गया होगा ना उस दौरान कि आपको कैसे पढ़ना है क्या करना है, तो आपने क्या मदद मिली आपको वहाँ से? मतलब जब जीडी और एसआरटी की आपने क्लासेस वहाँ की होगी, कितने दिन क्लासेस की थी आपने वहाँ पे लगभग? नियर अबाउट अराउंड 20 डेज में ये तो क्लियर हो जाना चाहिए था कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको उन्होंने सॉर्ट आउट किया होगा कुछ? सर वहाँ जीडी पे ज़्यादा केयर किया जाता है, जीडी पे हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है और पढ़ने में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ अगर आप रेगुलर रहेंगे तो इस बार आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा। यस सर, मैं ऑलरेडी रेगुलर हमेशा रहता हूँ कहीं भी। तो चलिए पढ़िए 25 पैरा कंप्लीट करिए। कैंडिडेट शैल साइन ए कंसेंट फ्रॉम पीरियड टू अपेयरिंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट मेडिकल टेस्ट फॉर सिलेक्शन इन IAF, मतलब इंडियन एयरफोर्स ना, ही शैल अपीयर इन दीज टेस्ट एट हिज ओन रिस्क एंड शैल नॉट बी पेड एनी कंपनसेशन बाई IAF फॉर इंजरी एंड कैजुअल्टी इफ एनी सस्टेंड बाई हिम ड्यूरिंग सच टेस्ट दे कंसेंट फ्रॉम शैल बी साइंड बाई पेरेंट्स एंड आर गार्जन आप कैंडिडेट्स बिलो 18 ईयर ऑफ एज दी कंसेंट फ्रॉम इज अपेंड फॉर्म इज अपेंडेड। ठीक है बैठ जाइए आप, समझ में आ रहा होगा कहाँ प्रॉब्लम हुई है। दो बार रिजेक्शन का कारण आपको भी क्लियर है, लेकिन इस बार आपको मेहनत करना है ना, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप। मेरे ऊपर छोड़ने का मतलब ये कि मैं खुद नहीं पढ़ के आपको सेलेक्ट कराऊंगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना है वो बताया जाएगा आप। क्लियर हो गया ना अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में क्या है? ऑल कैंडिडेट्स हु पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट शैल हैव टू अंडरटेक अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लियर? विच इज
टू असेस सुटेबिलिटी, क्या लिखा, सुटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द इंडियन एयरफोर्स विच इन्वॉल्व्स डिप्लॉय, क्या लिखा, डिप्लॉयमेंट इन वेरिड टेरेन एंड आगे वेदर एंड, वेरी गुड। अब अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट टू में आइए, आप क्या कहना चाह रहा है, ऑल कैंडिडेट हु पास अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट वन शैल हैव टू अंडरटेक अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट टू एज पर पॉलिसी इन वैग्यू। अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट टू इज टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स हु कैन अडॉप्ट द एनवायरमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड आर लाइफ, गुड। फेज थ्री में आते हैं अब, ये आपका फेज टू क्या हो गया, क्लियर हो गया। फेज टू में क्या आया आपका, पहले पे फेज टू में क्या आया, जीडी आया, एसआरटी आया और वेरिफिकेशन आया। किस चीज का वेरिफिकेशन आया, आपके एलिजिबिलिटी का वेरिफिकेशन आ गया। फिर क्या आया, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आया। फिर क्या आया, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, क्लियर हुआ। फेज थ्री, अब फेज थ्री में क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशंस होगा। मेडिकल एग्जामिनेशंस में क्या कहना चाह रहे हैं, बैठ जाइए, आप बताइए मेडिकल एग्जामिनेशंस में ये क्या कहना चाह रहे हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई एडेबिलिटी टेस्ट सेकंड सेल बी यूज्ड विद मेडिकल इशू विद मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर एट रिस्पेक्टिव ASS or ASCS for the medical examination at designated medical boarding center MBC on medical examination shall be conducted by Air Force medical team as per IAF medical standards and policy in value of subject issue. Medical examination would also include be listening baseline investigation of option A blood hemoglobin, ये आपका चेक होगा SB TLC और जब आपको बुखार होता है तो क्या चेक कराते हैं, चेक कराते हैं ये हीमोग्लोबिन कराते हैं क्या? नो सर, नहीं कराते हैं। अच्छा TLC कराते हैं क्या? TLC होता है, क्यों होता है भैया? सर एक TLC तो सर पता नहीं है, लेकिन TLC की बोला जाता है कि ये थायराइड ये। अब आप आज ये पढ़ के आइएगा, कल मैं आपसे पूछूंगा कि TLC और HV क्या है, क्लियर? हाँ आप ये बताइए उसके बाद कौन सा चेकअप होगा आपका, यूरिन का आरी और ME होगा, है ना? ठीक है, आगे क्या लिखा है, बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या चेकअप होगा आपका, सीरम और यूरिन और कोलेस्ट्रॉल और क्या कहते हैं LFT सेरुलम, एक्सरे भी होगा आपका चेस्ट का और ECG भी होगा आपका, टेस्ट ऑफ ड्रग्स एंड फिजिकल सर ये मीनिंग नहीं, साइक्लोलॉजिक सेमेस्टर अब्यूज होगा सर और जी नंबर होगा एनी अदर टेस्ट नेसेसरी ओपिनियन ऑफ द मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, अब ठीक है, आप बैठ जाइए। आगे ये कह रहा है कि कैंडिडेट डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट कैन अवेल द ऑप्शन फॉर, क्या लिखा है, अपील मेडिकल बोर्ड AMB अगेंस्ट देयर, क्या लिखा, अनफिटनेस बाय डिपॉजिट ₹40 इन अ गवर्नमेंट ट्रेजरी RBI एंड SBI थ्रू मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर MRO। द एप्लीकेशन फॉर AMB अलोंग विद द ओरिजिनल कॉपी ऑफ MRO एंड फोटोकॉपी ऑफ बिल्कुल अनफिटनेस सर्टिफिकेट आर टू बी सबमिटेड टू द थ्री वर्किंग डेज, क्लियर हुआ। चलिए 29 क्या कह रहा है, घर जाइए एक बार इसको फिर से पढ़िएगा। एक
रिक्रूटमेंट मेडिकल ऑफिसर एंड द स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स आर द फाइनल अथॉरिटीज ऑन डिक्लेयरिंग अ कैंडिडेट फिट और अनफिट ड्यूरिंग इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन अपील मेडिकल बोर्ड एंड मेडिकल एग्जामिनेशन प्रेयर टू एनरोलमेंट द कैंडिडेट शैल बी गवर्न by armed force standards which may be at variance from civil standards. There is no provision for representation or review after the appeal medical board. चलिए नोट में क्या कहना चाह रहा है, कुछ इम्पोर्टेंट दिया होगा इसने. Candidates are advised to get tartar and stains removed from their teeth before appearing for the medical examination. Ears should be free of wax. Candidates should be prepared to stay the medical test for 4 to 5 days under their own arrangement. No TA shall be admissible. Candidates using corrective glasses must be in possession of prescription from ophthalmologist. हमारी कमियां समझ रहे हैं? कमियां समझ रहे हैं ना अपनी अपनी सब लोग? इसी को खत्म करना है. एक महीने का समय है, एक महीना तो घूमना ही नहीं है भाई. एक तरीके से देखा जाए तो 500 ही लिया गया है ना. किससे किससे लिया गया 500? केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क, कोई पैसा तो नहीं लिया गया उसके अलावा, और लिया भी नहीं जाएगा. लेकिन हमें तो देना पड़ेगा टीचर्स को, आपसे नहीं लिया जाएगा. लेकिन ये मत समझना कि फ्री चल रहा है तो इसका मतलब कभी आए और कभी ना आए, ये नहीं करना है बेटा. ठीक, क्लियर? गुड. वन मंथ ओल्ड पासिंग इन द मेडिकल एग्जामिनेशन इज नॉट अ गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इंडियन एयरफोर्स. बाकी तो सब नॉर्मल है, समझ में आ ही रहा होगा. इसको पूरा आप पढ़िएगा सही से, ठीक है? हाउ टू अप्लाई, हाँ PSL के बारे में कोई बताइए भाई. नेक्स्ट, हाँ अगला स्टेज यही है आपका, है ना? PSL. जैसे आपका मेडिकल फिट हो जाएंगे आप फेज 3 में, उसके बाद आपका PSL लिस्ट आएगा. क्लियर है? प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट. आगे बताइए क्या है ये सेलेक्ट लिस्ट. PSL, the PSL merit wise will be prepared after the completion of selection test and the same will be displayed at all the SCs and also on web portal https://agnipath5cdac.in on 1 December 2022. Inclusion of names of candidates in the PSL depends upon the performance of the candidates in the selection test and the same is determined by application of cutoff marks via number of qualified candidates in phase 2nd, testing and anticipated vacancies. Inclusion of name in provisional selection select list PSL does not guarantee automatic enrollment. Enrollment is strictly in order of merit, subject to medical fitness, availability of vacancies, not exceeding the age of 23 years on the date of enrollment and meeting all the laid down eligibility criteria as and when called for enrollment. The validity of the PSL shall be 6 months from the date of display and shall be applicable only for Agnivir Vayu Intake 01/2022. क्या कह रहे हैं कि द PSL यानी मेरिट वाइज विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंप्लीटेशन. क्या लिखा है? कंप्लीशन लिखा है, ठीक है. ऑफ सिलेक्शन क्या लिखा है? टेस्ट. एंड द सेम विल बी डिस्प्लेड एट ऑल द SCs एंड आल्सो ऑन द वेब पोर्टल agnipathvayu.cdac.in. कितने तारीख को कह रहा है? 1 दिसंबर 2022. क्या आएगा? PSL लिस्ट आएगी. कब आएगा? क्लियर है? मतलब आपके पास ज्यादा समय नहीं है. किसके लिए? वर्दी पहनने के लिए, समझ रहे हैं, ट्रेनिंग में जाने के लिए. चलिए आगे आते हैं. तो क्या लिखा है? द वैलिडिटी लास्ट में क्या लिखा है? ऑफ द PSL शैल बी 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्प्ले एंड शैल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर. चलिए अगला आ जाता है उसके बाद क्या? एनरोलमेंट लिस्ट. अब प्रोविजनल लिस्ट सेलेक्ट लिस्ट में पता चला कि 2000 वैकेंसी में 2500 बच्चे सेलेक्ट हो गए. अब क्या करेगा? कट ऑफ अब बढ़ाएगा. उसके वाइज क्या उठाएगा? लड़के उठाएगा?
जिसका जैसा कट ऑफ रहा मेरी ट्रे उसी के आधार पर उठाएगा। यस सर। अब जब वहां से उठाएगा तो एनरोलमेंट लिस्ट बनाएगा। यस सर। अब जब वो एनरोलमेंट लिस्ट बनाएगा तो पता चलेगा कितने बच्चों को लेना है। 2000 वैकेंसी है तो 2000 लेगा, 500 बच्चों को पेंडिंग डाल देगा। और आपको पता है जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स या फिर कोई भी गवर्नमेंट मतलब जब जॉब निकलती है वैकेंसीज निकलती है तो वो अपने आधार पर कभी भी पोस्ट को घटा सकती या फिर बढ़ा सकती है, ये लिखा रहता है। लेकिन अगर भर्ती बढ़ती है तो जो 500 कैडेट्स बचे हैं हो सकता है उनको दूसरा जब एनरोलमेंट लिस्ट आएगा तो उसमें ले लिया जाए। कभी ऐसा हुआ भी है, एक दो बार ऐसा हुआ भी, उनको बुलाया भी गया है, वो गए भी ट्रेनिंग में, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। अब एनरोलमेंट लिस्ट में ये क्या कहना चाह रहे हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली कॉल्ड फॉर एनरोलमेंट इन अग्निवीर वायु इनटेक 01/2022 विल बी पब्लिश्ड ऑन 11 दिसंबर। कितने तारीख को होगा, मतलब पहला आपका पीएसएल 1 दिसंबर को और उसके बाद 10 दिन बाद तुरंत 11 दिसंबर को एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी, क्लियर। फिर कह रहा है ई कॉल लेटर ओनली शैल बी सेंट टू कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग स्टैंड बाई कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर एनरोलमेंट ऑन दियर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी। ईमेल आईडी, ठीक है। आप बैठ जाइए भैया। अब ये पल रहा आपका एनरोलमेंट लिस्ट का, जैसे ही एनरोलमेंट लिस्ट में आपका नाम आया आपने पूरे गांव में क्या कर दिया, मैं मार दिया, है ना। और फाइनली लोग कहेंगे कि शुक्ला जी का लड़का ने तांडव मचा दिया और सिलेक्शन ले ही लिया। अब आप भी देखो और अग्निवीर में भेजो। अब भाई कुछ भी होगा तो वर्दी तो मिलेगी 25% में, तो फिर हौसला तो है ही जाने का जब कूद गए हैं, तो फिर अब देखना क्या है। 1999 का जो कारगिल वार था उसमें ये थोड़े था कि दुश्मन 90 फीट ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर है, ठीक, या फिर हमारा क्लाइमेट कैसा है वहां पर। हमें केवल हमारा दुश्मन दिखता था और हम दिखते थे बस, ठीक। तो हमें केवल 25% देखने आए बस, 75% की तरह तो झांकना ही नहीं क्या है क्या नहीं, क्लियर। तो हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हमें अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर करना पड़ेगा। पहली चीज, हम वो छोड़ चुके हैं जो शायद 10th, 11th, 12th में कभी पढ़ाया जाता था। और सर जी क्या करते थे, खड़े हो जाओ बेटा, बुक्स लो और ये पढ़ो, पढ़ के सुनाओ। वो पल ज्यादा अच्छा लगता था जब हम 10th, 11th और 12th में हुआ करते थे। सर इमला बोलते थे, इमला जानते ना हम लोग, ओरल बोलते थे और उसको लिखते हुए चलते रहते थे। सोचो वो समय था कि जब एक एक चीज हमारे दिमाग में बैठी हुआ करती थी कि सर ने बोला इज, तो इज में पता है कि हमको आई और एस ही लिखना है। और अगर आज इज बोल देते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पढ़े हुए तो छोड़ दिया गया ना, क्यों, क्योंकि हम मेहनत कहां कर रहे हैं वो हम अच्छे से जान रहे हैं। क्या हम अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, या फिर क्या हम अपने भविष्य के लिए अपने फ्यूचर के लिए कितना काम कर रहे हैं। हमने रिटर्न तो क्वालिफाई कर लिया, फेज टू के लिए क्या कर रहे हैं, जिंदगी भर एक्सक्यूज देंगे, अरे उस समय तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उस समय मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, उस समय यार एक लड़की थी बहुत परेशान करती थी, पढ़ नहीं पाता था, कविताएं लिखना था लोड बहुत ज्यादा था, समझ में नहीं आता था कि कविता लिखें कि कविता के साथ चलें, समझ रहे हैं। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे। लेकिन आपको बताएं पांडे जी, बात मानिएगा, आप दिल से बोल रहा हूं, अगर मैं चाह लेता ना तो निकाल दिया होता, समझ रहे हैं, ऐसा होता है, अगर चाह लिया होता ना तो निकाल दिया होता। लेकिन ये बताइए शुक्ला जी, ठीक है आप कह तो रहे चाह लेते तो निकाल लेते, लेकिन आज तो आप खेत में ही काम कर रहे हैं, बड़ी मुसीबत से आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, चाहे कहे नहीं भाई, चाहे क्यों नहीं। आप सिचुएशन ये थी ना कि कविता के साथ चलते या कविता लिखते, चाहत बढ़ गई थी। और हमारी चाहत आज ये है कि जब हमारी आंख खुलती है तो हमारे पास में हमारा फोन कहाँ है ये हम देखते हैं। एक समय था जब हमारी आंख खुलती थी तो लालटेन जलाया करते थे हम लोग अपने भविष्य में, अपने समय में। और शाम को जब सोते थे तो लालटेन सोने से पहले क्या होता था, पूरा लालटेन को अच्छे से सफा कर लेते थे, उसके शीशे को बढ़िया सफा करते थे कपड़े से, पहले कागज से फिर कपड़े से, उसमें मिट्टी का तेल डालते थे। सुबह जब उठते थे लाइट तो हुआ नहीं करती थी, जला दिया करते थे, जब जलाते थे तो उसमें पढ़ा करते थे। और जब पता चला नींद आ रही थी उधर से मम्मी आती माती चट से, जब चट से पढ़ता तो फिर आंख खुलती, हाँ कुछ मिला, ठीक, और फिर पढ़ाई शुरू। तो वो मेहनत था, कराई जाती थी, करना पड़ता था और सिलेक्शन हो जाता था। आज के समय में मम्मी बोल दे बेटा उठो पढ़ो, हाँ मम्मी आजकल फोन से ही पढ़ ले रहे हैं,
YouTube से पढ़ ले रहे, मजाक थोड़े है, ऐसे YouTube से पढ़ के निकाल लिए थे हम। अच्छा आप लोग सच सच बताइए, क्या सेना में जाने के लिए YouTube संपूर्ण है? क्या YouTube से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। तो सेना एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको अपने आप को लग के मेहनत करनी पड़ेगी और करनी पड़ानी, क्या करना पड़ेगा, खुद को तपाना भी पड़ता है, ऐसा है। फिजिकल भी जरूरी है, मेडिकल भी जरूरी है, रिटेन भी जरूरी है, जरूरी है कि नहीं? तो बिना मेहनत के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, बुरा नहीं, इंग्लिश वाला पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए। हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, शब्द अच्छे होते हैं, वर्ड्स अच्छे होते हैं, द हिंदू पढ़ लीजिए। हमको क्या करना है, हमको तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा सही करना है, रीडिंग स्किल्स सही करना है, समझ रहे हैं? गांव में क्या पढ़ते थे, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यही पढ़ते थे, अब चेंज हो गया है, ये वहाँ नहीं पढ़ के सुना सकते, एल एम एन ओ पी, समझ रहे हैं? तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है आपको समझने की, आपके अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करने की, और एक अधिकारी की तरह आप दिखना शुरू करो। आपको पता है कि आपको इंडियन एयरफोर्स में जाना है तो मेरे बाल कैसे होने चाहिए, आपको पता है कि मुझे इंडियन एयरफोर्स में जाना है तो मुझे वहाँ जाके ड्रेस पहनना पड़ेगा, तो मेरा यहाँ का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। सिविल ड्रेस में भी आप ऐसा रहो ना कि आपको देख के कोई बच्चा अगला मोटिवेट हो, लगे कि यार हाँ दम है बंदे में, जब गाँव जाएँ तो ऐसा लगे कि मुरझुराए नहीं है, एक चमक आपके चेहरे पर हमेशा लगनी चाहिए कि हाँ साइनिंग है बंदे के अंदर, और कर लेगा। बहुत बच्चों को देखते लग जाता है अरे ये तो खींच ले जाएगा, समझ रहे हैं? तो आप सब कर ले जाओगे, हमको केवल रीडिंग स्किल्स अपनी अच्छी करनी है। क्या क्या डेवलप करना है मैं समझ गया हूँ, टीचर्स को बोल देता हूँ, बाकी विंग कमांडर सर आ जाएंगे तो उनके लिए तो 10 दिन का काम है आपके लिए, समझ रहे हैं? बाकी जो भी कमियाँ उसको दूर करते हैं। और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, कोई प्रश्न? फिजिकल में इन्होंने क्लियर कर रखा है बेटा, नहीं बैठना नहीं, लेट के ही करना है। क्या करना है? स्क्वैट्स तो उठक बैठक हो गया ना, ठीक है। हाँ री मेडिकल मिलेगा तब भी 15 दिन कम से कम, ये मिलता है कि और ज्यादा मिलता है? ज्यादा मिलता है सर। कितना मिलता है? 3 महीने का मिल रहा है। प्रॉब्लम की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन मान लीजिए 11 दिसंबर को ये सब कुछ फाइनल कर रहे हैं और इनको पता है कि हमको 1 जुलाई को क्या करना है, ट्रेनिंग स्टार्ट करना है, या 1 जनवरी को ट्रेनिंग स्टार्ट करना है, तो आपको क्या लगता है समय देगा? कितना दिया मेडिकल का? 8 नवंबर। कितना समय मिला? 2 महीना मिला, मतलब री मेडिकल के लिए कितना समय मिला? कम से कम मान चलिए 1.5 महीना आपको मिले, समझ इतना तो मिलेगा री मेडिकल, लेकिन उसमें आपको अपने आप को सही करके वहाँ पहुँचना है। उससे पहले पूरी चीज़ें क्लियर करा लीजिए, चेकअप, अभी मेडिकल हम कैंप लगवा देते हैं, पैसा नहीं लगेगा उसमें, हम पैसे वैसे नहीं लेते भैया, ठीक। उसमें आप पूरा चेकअप करवा लीजिए, हम डॉक्टर को बोल देंगे स्पेशली हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से पूरा बॉडी ओपन करके चेक करेंगे, क्लियर? तो पूरा मेडिकल एक बार सही से हो जाए, क्या कमियाँ हैं वो देख लेते हैं, कमी है तो उसको सुधारना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। मेडिकल चेकअप का मतलब ये नहीं कि डीमोटिवेट हो जाए, अभी हमारे पास टाइम है। कान के पर्दे में कोई प्रॉब्लम है तो वो सही हो जाएगा, नाक में कोई प्रॉब्लम है तो वो सही हो जाएगा, डेंटल पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा, क्लियर? हाइड्रोसील है वो भी हम सही कर सकते हैं, ऑपरेट करके हो सकता है सही हो जाए, समय आराम से हो सकता है। पाइल्स है हो सकता है, उसमें भी दवा खा के सही किया जा सकता है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्रॉपर चेकअप करवा के हर एक तरीके से सही करवाते हैं, ठीक है, और नहीं है तो वेल एंड गुड है, समझ रहे? और कोई प्रश्न? हर एक प्रश्न का जवाब खुद ढूंढना है और हर एक प्रश्न का जवाब इसमें यही यूज करना है बस, कितना समय? और कोई प्रश्न?
पढ़ाई से कोई दिक्कत? मैम जो समझा रही समझ में आ रहा है? यस सर। एकदम? यस सर। आवाज नहीं आ रहा है इससे लाउडली? यस सर। अच्छा पढ़ा रहे हैं? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। और कुछ? फिजिकल में आएंगे? यस सर। आइए, राजा बाबू सर हैं, अकान सर भी रहेंगे, और अच्छे से मेहनत करिए बाकी। हाँ, मॉर्निंग में सुबह 5 बजे ना सर? सुबह 5 बजे CMP। ठीक है, बाकी मैं भी फिर लगता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जय हिंद। जय हिंद सर।